हाँ जी, आप सुरेंद्र प्रसाद जी कोठियाल और ये हमारे श्रीमद् भागवत कथा में कथावाचक हैं। और आप मतलब आज हमारा श्रीमद् भागवत का छठवां दिन चल रहा है, तो हाँ जी नमस्कार। आप आपका ये कितना दिन चल रहा है कथा का? आज सप्तम दिवस। क्योंकि संस्कृत भाषा में जो है ये छठवां दिन है, तो आपका आज तक कितने आपने भागवत किए हैं? ये हो गए करीबन 125 के ऊपर। हाँ जी, ये हमारे सुरेंद्र जी कथावाचक जी के ये 25वां भागवत है, 125 के ऊपर। और इनकी एज देखो कि कितना इन्होंने, इतना तो कोई 80 साल के उम्र के आचार्य कथावाचक नहीं करती हैं। तो आप हैं ग्राम डूंगलवाली, जिला चमोली। आपने कहाँ से शास्त्री ली है? मैंने शास्त्री जोशीमठ से किया, आचार्य बनारस से किया। हाँ जी, ये आचार्य बनारस से हैं। और बनारस तो आपको पता ही है कि शिव जी की नगरी है, जहाँ की दक्ष प्रजापति जी ने महायज्ञ करा था, जहाँ सीता मैया वो सती माता ने अपना चयन किया था। नमस्कार, कैमरामैन के साथ प्रीति जोशी, धन्यवाद। कुसुम सती, आपके लिए व्यास फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी। नमस्कार, आपका नाम? मेरा नाम पंडित सीताराम गोदियाल, निवासी ग्राम दालदुम बड़ियारगढ़ टिहरी गढ़वाल। अच्छा, आपने ये आचार्य पढ़ाई कहाँ से की? ये मैंने तो आचार्य की पढ़ाई जो है अपने अपने पितृ पितामह लोगों के, यानी अपने जो मेरी पुरानी पद्धति ओल्ड कस्टम जिसको बोलते हैं, उन्हीं लोगों से मैंने इसको सीखा है। वैसे मैं गढ़वाल यूनिवर्सिटी का इकोनॉमिक्स का विद्यार्थी हूँ। धन्यवाद। हाँ जी, ये हमारे जो है कुलपुरोहित जी है गरोला फैमिली से, तो ये किसोदियाल फैमिली से, गैरोला फैमिली के कुल पुरोहित हैं। और इन्होंने जो है पढ़ाई अच्छी करी है, लेकिन ये जो ज्योतिष विद्या है तो इन्होंने अपनी पैतृक से किया, महाजनों से किया। तो हाँ जी, आपका आज तक का अनुभव? आप तक का अनुभव में 62 साल का हो गया हूँ इस कर्म कांड को करते करते। और विशेष स्तर पूजा में मैं रहता ही हूँ और जहाँ पर भी है कर्म कांड ही करता हूँ। हाँ जी, तो आपने ये श्रीमद् भागवत कितनी जगहों कर चुके हो? मैं लगभग तो अब इसकी तो गिनती नहीं है, लेकिन बोल तो रहा हूँ जब मैं, अब मेरी उम्र 62 साल हो गई है और मैं 28 साल से जो है इसका कर्मकांड शुरू, मतलब कर्मकांड जिसको कर्मकांड कहते हैं, शुरू तो पहले हो गया था, लेकिन प्रधान आचार्य के रूप में कर्मकांड के रूप में हमेशा ही जहाँ कहीं भी मेरी यजमानी से संबंध या मेरे इलाके में होता है वहाँ पर मैं कर्मकांड करता रहता हूँ। धन्यवाद जी। धन्यवाद सीताराम जी, धन्यवाद।